हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्यू। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और ये इसका पार्ट 2 रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3 को। आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक केमिकल इक्वेशंस को। तो चलिए जानते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। केमिकल इक्वेशंस एक्टिविटी 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. Activity 1.1 को हम इस तरीके से describe कर सकते हैं, when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, जब हम magnesium ribbon को burn करते हैं oxygen में, it gets converted to magnesium oxide. तो वो हमारा convert हो जाता है magnesium oxide में. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. तो इस केमिकल रिएक्शन को जब हमने किसी सेंटेंस के थ्रू डिस्क्राइब किया है तो ये काफी ज्यादा लंबा हो गया है। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, इसे हम शॉर्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। तो इसका जो सिंपलेस्ट वे है वो क्या है, वो इसको अगर हम वर्ड की इक्वेशन में लिख दें तो ये इसका सिंपलेस्ट वे हो जाएगा। The word equation for the above reaction would be, तो ऊपर जो reaction हुई थी उसको हम अगर word की form में लिखे तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो magnesium plus oxygen मिल करके बना रहा है आपका magnesium oxide, तो यहां हमने इसको represent कर दिया word की form में। The substances that undergo chemical change in the reaction 1.1, magnesium and oxygen are the reactants. तो जो सब्सटेंसेस किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उन सभी को कहा जाता है रिएक्टेंट्स, वो सभी हमारे कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। और द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। और जो भी हमारा नया सब्सटेंस बनता है उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। यानी ऊपर वाली रिएक्शन में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट्स, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ अ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो जब कोई रिएक्टेंट हमारा चेंज हो रहा होता है प्रोडक्ट के अंदर तो उसके बीच में हमें एक एरो लगाना होता है, वो एरो हमारा चेंज को शो करता है। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। तो रिएक्टेंट को लिखा जाता है लेफ्ट साइड पे और प्रोडक्ट को लिखा जाता है हमेशा राइट साइड पे। तो रिएक्टेंट हमारे किस साइड लिखे जाते हैं, लेफ्ट साइड में, और प्रोडक्ट हमारे लिखे जाते हैं राइट साइड में। और जब भी आपके एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं तो उनके बीच में लगता है आपका प्लस साइन। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। The arrowhead point towards the product and shows the direction of the reaction. तो ये जो arrow होता है ये आपका reaction की direction को बताता है। तो ये आपकी reaction की direction को बताता है कि reactant आपका change हो रहा है किसमें, product में। इसके बाद आता है हमारा topic writing a chemical equation. केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से लिखा जाता है। इज देयर एनी शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस, क्या ऐसा कोई छोटा तरीका है इन केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का। तो केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो सबसे पहले हमने समझा एक स्टेटमेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में। इसके बाद हमने इसमें क्या करा, वर्ड्स को इस्तेमाल किया, ये अब इससे छोटा तरीका हो गया लिखने का। इसके बाद में हमने इन वर्ड्स को सिंबल के फॉर्म में लिख दिया, अब ये इससे भी ज्यादा छोटा तरीका हो गया। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को अगर हम स्टेटमेंट में लिखेंगे तो वो काफी ज्यादा लंबा तरीका हो जाएगा। स्टेटमेंट में ना लिखकर उसे अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो वो उससे छोटा तरीका हो जाएगा। और अगर हम वर्ड्स को भी इस्तेमाल ना करके उसको सिंबल के फॉर्म में लिखें या उनके फॉर्मूलेस के फॉर्म में लिखें तो वो उससे भी ज्यादा छोटा तरीका हो जाएगा उनको रिप्रेजेंट करने का।
केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन हमारी रिप्रेजेंट करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। इफ वी रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मूलेज को याद रखें तो हम ऊपर वाली वर्ड इक्वेशन को उसके फॉर्मूलेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम को हमने रिप्रेजेंट कर दिया Mg से, ऑक्सीजन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया O2 से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया MgO से। तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसी को कहा जाता है इसका केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम उसके सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है केमिकल इक्वेशन। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। अब केमिकल इक्वेशंस को लिखने के बाद में हमें हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है और उन्हें कंपेयर करना है लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पे भी। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड्स। क्या नंबर ऑफ एटम हर एलिमेंट के सेम है दोनों साइड पर? इफ यस, अगर यस है देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर किसी भी रिएक्शन के एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड LHS और RHS साइड बराबर है तो उस रिएक्शन को कहा जाता है बैलेंस्ड इक्वेशन। इफ नॉट, अगर नहीं, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं दोनों साइड पे तो उसे कहा जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन, और अगर नंबर ऑफ एटम्स आपके अनइक्वल हैं या बराबर नहीं है तो उसे कहा जाएगा अनबैलेंस्ड रिएक्शंस, क्योंकि एलिमेंट्स का जो मास है वो दोनों साइड पर इक्वल नहीं है। सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। तो इन सभी केमिकल इक्वेशंस को कहा जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो मैग्नीशियम को जब हम बर्न करने हैं एयर में तो उसकी जो ऊपर इक्वेशन दी गई है 1.2, यानी ये वाली इक्वेशन जो आपकी दी गई है ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, यानी इसके नंबर ऑफ एटम्स आपके बैलेंस्ड नहीं है। तो जब भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है तो उसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। तो आपको सोचना है क्लास 9th में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारा मास होता है किसी भी एलिमेंट का, तो वो ना तो क्रिएट होता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। तो जिसके कारण किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के साइड पे जो भी एलिमेंट्स है उनका जो मास है वो प्रोडक्ट के साइड में जितने भी एलिमेंट्स है उनके मास के बराबर होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद नंबर ऑफ एटम्स आपके सेम होने चाहिए। Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. इसलिए हमें skeletal chemical equations को balance करना होता है। Is the chemical equation 1.2 balanced? क्या chemical equation 1.2 आपकी balanced है? तो चलिए जानते हैं कैसे हम इसकी balancing को check करेंगे। तो equation 1.2 में अगर हम reactant के side में देखें तो reactant के side में Mg के पास में number of atoms कितने हैं? 1, और ऑक्सीजन के पास में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2। ओ टू लिखा है इसका मतलब ऑक्सीजन के पास में नंबर ऑफ एटम है 2, और एम जी लिखा है सिर्फ तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम है एम जी के पास में 1। यही अगर हम प्रोडक्ट की साइड पर देखें तो नंबर ऑफ एटम एम जी ओ में कितने हैं? एम जी के पास में 1, और ऑक्सीजन के पास में भी कितने हैं? 1। तो एम जी के पास में है 1, ऑक्सीजन के पास में भी 1 है। तो लेकिन रिएक्टेंट की साइड में ऑक्सीजन के पास तो नंबर ऑफ एटम है 2, लेकिन प्रोडक्ट की साइड में नंबर ऑफ एटम है 1। तो ये आपकी एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यानी एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरीके से हमने इसको चेक कर लिया कि ये केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस नहीं है। आगे हम सीखेंगे इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस किस तरीके से करना है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। अब हम इसमें सीखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से बैलेंस किया जाता है।
द वर्ड इक्वेशन ऑफ एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज। तो एक्टिविटी 1.3 में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसको अगर वर्ड फॉर्म में लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके बना रहे हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये हो गई हमारी उसकी वर्ड इक्वेशन। द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब ऊपर वाली वर्ड इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे उसके सिंबल्स की फॉर्म में, यानी जिंक को हमने रिप्रेजेंट किया Zn से, सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारा H2SO4, जिंक सल्फेट होता है हमारा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन होता है हमारा H2। तो इसको हमने इसके सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद में लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। अब हम एरो के दोनों साइड पर देखेंगे अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे। तो पहला जो एलिमेंट है वो है हमारा जिंक। जिंक में रिएक्टेंट की साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? यहाँ पर है 1, तो ये हो गया 1। फिर हमने लिखा नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम जिंक के पास में कितने हैं? यहाँ पर भी क्या है? 1, तो ये हमने 1 लिख दिया। इसके बाद में अगला जो एलिमेंट है वो है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास में नंबर ऑफ एटम कितने हैं? यहाँ पर 2 है रिएक्टेंट की साइड में, तो ये हमने 2 लिख दिया रिएक्टेंट की साइड में। और प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 2 है, तो यहाँ भी हमने लिख दिया 2। इसके बाद अगला जो एलिमेंट है वो है हमारा सल्फर। सल्फर के पास में रिएक्टेंट की साइड में नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1। और प्रोडक्ट की साइड में नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1। इसके बाद में लास्ट जो एलिमेंट है हमारा वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास में नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की साइड में है 4, क्योंकि O4 लिखा गया है। और प्रोडक्ट की साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4। तो इस पूरी इक्वेशन में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड बराबर है नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट की साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर हैं प्रोडक्ट की साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो, इक्वेशन 1.3 इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्योंकि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड बराबर है, इसलिए इस पूरी इक्वेशन को कहा जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो अब हम ट्राई करेंगे इस पूरी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। तो इक्वेशन है आपकी Fe plus H2O मिलकर के बना रहा है Fe3O4 plus H2, तो इसे हमें बैलेंस करना है। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करना सीखेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लीजिए। आई होप यहाँ तक आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।